पता है इसके साथ दिक्कत क्या हुई थी, हमने ना पहले अपना पुराना ही कूलर ठीक करवाया था और उसका पंखा वंखा ठीक करा के उसकी मोटर वोटर हम लेकर आए और हमने वो ठीक करा लिया। ठीक है, एक रात वो कूलर चला, उसके बाद दूसरे दिन ना वो मोटर खराब हो गई, अपने आप ही बंद हो गई। मतलब उसने हमें इतना घटिया मतलब डुप्लीकेट दे दिया होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी हो रहे हैं 12:30 और इसने आज आ चुकी है कॉलेज, क्योंकि ना उसके आज से पेपर शुरू हो चुके हैं और आज उसका फर्स्ट पेपर था, तो उसका 1:30 से 4:30 बजे तक पेपर चलेगा। और पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, पता है इस बार की गर्मियों की छुट्टी बहुत 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 बोरिंग हो गई है मेरी, क्योंकि हम कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि स्नेहा के चल रहे हैं पेपर और उसके आज से शुरू हो गए थे और अब उसके ख़त्म होंगे सीधे 25 जून को। ठीक है, अब 25 जून के बाद तो फिर बरसात शुरू हो जाएगी, तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। हम लोग ना इस बार प्लान कर रहे थे कि हम वैष्णो देवी जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि अब 25 जून को स्नेहा के पेपर ख़त्म है और फिर मानसून शुरू हो जाएगा, तो दिक्कत ये आ रही है कि जाएँ नहीं जाएँ। पता हम दो डिसीजन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, देखते हैं आगे क्या प्लानिंग होती है वैष्णो देवी की, क्योंकि ना मेरा वैष्णो देवी आना बहुत 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 ज़रूरी है। लेकिन इस बार स्नेहा की वजह से पता कहीं भी नहीं घूम पा रहे, कहीं भी नहीं जा पा रहे, क्योंकि पूरी छुट्टियाँ ही उसके पेपर में निकल गई हैं। और फिर 18 जुलाई से सॉरी के पेपर स्कूल खुल जाएंगे, तो छुट्टियाँ तो सब चली गई समझो। तो इस बार गर्मियों की छुट्टियाँ ये देहरादून में ही सड़ गए हम गर्मी में ही, ना हम कहीं जा पाए। और लोकल भी घूमने के लिए कहे तो वो जाती नहीं, क्योंकि संडे सैटरडे संडे मिलता है सिर्फ, और दिन वो कॉलेज होती है, पेपर शुरू हो गए क्योंकि कभी प्रैक्टिकल कभी कुछ, और लक्ष्मण भी ऑफिस होते हैं और जब उसको संडे जाने के लिए बोलें तो संडे वो पढ़ना होता है उसको, तो बड़ी दिक्कत हो गई है। और इस बार तो मतलब मेरी गर्मी की छुट्टियाँ पूरी बोरिंग चली गई है और बस बस देहरादून में बैठे हैं, वही घर का काम कर रहे हैं, क्या करें कुछ नहीं है। और पता है कल परसों थोड़ा घर में काम चल रहा था, तो पता है इतनी तोड़फोड़ हुई है, और मतलब कल पूरा दिन मेरा सफाई में निकल गया, क्योंकि जब तोड़फोड़ होती है तो घर में कितनी धूल हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या करा है घर पे। तो फ्रेंड्स, हमने ये किया थे, एक्चुअली क्या था ना, हमारे स्विच बोर्ड्स जो थे ना ये वाले सब ख़राब हो गए थे, ये लूज़ हो गए थे, मतलब ये ना अपने आप बंद हो जा रहे थे, मतलब खुल जा रहे थे बंद हो जा रहे थे, तो ये देखिए पूरा तोड़ गया। मेरा पूरा वॉलपेपर भी ख़राब हो गया है इस तरीके से, और अब ये ना सिर्फ कच्चा हुआ है, अभी मिस्त्री को बुलाना है, वो पूरा ठीक करेगा, उसके बाद फिर दोबारा से मुझे वॉलपेपर लगाना पड़ेगा। एक यहाँ हुआ था टूट फूट, एक हमने यहाँ पर करी थी ये वाली, और एक बेडरूम में देखिए सब तोड़ दिया, सारा वॉलपेपर का मेरा कबाड़ बन गया, देखिए सारा वॉलपेपर मेरा ख़राब हो गया है। अब इसको क्या है, इसको मेन मतलब बढ़िया वाला प्लस्तर लगवाएंगे, उसके बाद फिर दोबारा इसमें वॉलपेपर लगाऊंगी। और दिखाती हूँ मैं, एक और हुआ था हमारा, आपको मैं दिखाती हूँ, एक जगह और किया है हमने, ये वाला भी था, मेरा पूरा वॉलपेपर वॉलपेपर तीनों हमने चेंज किया थे। अभी थोड़ा पहले ना लंबे वाले थे, नहीं होता पुराने स्टाइल के लंबे लगते थे, आपको दिखाते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा ऐसे लंबा था, तो ये बॉक्स निकाल के फिर अब जो है ना, काफी पुराना मकान था, मतलब 15-20 साल हो गए मकान को, उसके बाद अब ये भी देखे तो फिर ये इस तरीके से है, तो यहाँ पे ना गैप नहीं बच गया, तो ये सब ठीक करवाना है। और इतनी धूल मिट्टी हो गई थी ना, डस्टिंग करते करते परेशान हो गई, ऊपर हो गई, यहाँ सॉरी के देखिए ये अलग मस्ती चल रही है, इस बार हमारा क्या हो रहा है, हमारे घर में ना सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। पता है मेरा कूलर भी खराब हो गया था, और हम इन्हें ये फिर एक दो दिन पहले नया कूलर खरीदा, क्योंकि देहरादून में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी थी कि बिना कूलर के तो काम ही नहीं चल रहा था, तो फिर ये वाला कूलर हम खरीद के लाए हैं। सबसे मम्मी एक बार एक चीज बोलो, बोलो सबसे ज्यादा गर्मी किधर पड़ी है? गर्मी किधर पड़ी है मतलब सबसे ज्यादा देहरादून में कौन से देशों में सबसे ज्यादा गर्मी कौन किधर? फ्रेंड्स लाइट भी नहीं है, तो हो सकता है आपको लाइटिंग थोड़ी कम दिखाई दे रही हो, क्योंकि इन्वर्टर के कनेक्शन में सिर्फ ये वाला बल्ब चल रहा है, रॉड इन्वर्टर के कनेक्शन में है नहीं, और अभी 2 घंटे हो चुके हैं लाइट को गए हुए, अभी तक लाइट नहीं आई है। ये वाला नहीं है ना बेटा, इसमें कनेक्शन ही दे रखा है, नहीं है उसमें। तो फ्रेंड्स ये वाला कूलर हम लेके आए थे, और पता है इसके साथ हुआ क्या है, इस कूलर के साथ कि हमने पता है, अभी मैं दिखाती हूँ जो मेरा कूलर खराब हो गया है। पता है इसके साथ दिक्कत क्या हुई थी, हमने ना पहले अपना पुराना ही कूलर ठीक करवाया था और उसका पंखा वंखा ठीक करा के उसकी मोटर वोटर हम लेकर आए और हमने वो ठीक करा लिया,
ठीक है, एक रात वो कूलर चला, उसके बाद दूसरे दिन ना वो मोटर खराब हो गई, अपने आप ही बंद हो गई, मतलब उसने हमें इतना घटिया मतलब डुप्लीकेट दे दिया होगा। और रात मतलब 9:30 बजे मतलब ये था कि कूलर ने अचानक मतलब 7:30-8 बजे बंद कर दिया चलना। अब रात को सोना था, बच्चों ने पता इतना वो कर दिया कि हम तो सोएंगे ही नहीं बिना कूलर के, हम तो सोएंगे नहीं बिना कूलर के। और ये कूलर हम लाए रात के 9:30 बजे, दुकान पता है बंद होने ही वाली थी, और रात को हम ऐसे ही बिना देखे ही पैकड उठा के ले आए। सुबह आके देखा कि इसका मॉडल कैसा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर हमने पता क्या करा कि 9:30 बजे रात उनको बोला कूलर देने के लिए, और ये हमने देखा भी नहीं कि इसका मॉडल कैसा है, ये पैक्ड था पूरा, और ऐसे ही पैक्ड हम इसको उठा के ले आए। देखिए पता है बहुत अच्छी हवा फेंक रहा है और बहुत बढ़िया कूलर है ये, बहुत अच्छा है, मत कल कर टूटेगा वो, फिर पापा गुस्सा करेंगे। तो ले आए, और जो टूट गया है कूलर उसको मतलब हो गए होंगे कम से कम 20 साल उस कूलर को। और पता है उस कूलर में हमने मतलब 15-20 साल में कभी भी कुछ भी ठीक नहीं करवाया, मतलब वो नॉन स्टॉप चल रहा था, अब जाकर जो है दम तोड़ दिया। लेकिन अभी भी हम उसकी मोटर लाने वाले हैं और उसमें मोटर लगा लेंगे, तो एक्स्ट्रा कूलर चाहिए होता है। मैं दिखाती हूँ पहले आपको कूलर, तो उस कूलर को भी हम ठीक करेंगे, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना बच्चे बाहर बैठे हैं, ठीक है, और कभी ऐसा होता है कि उस कमरे में टीवी चल रहा है और लोगों को दूसरे कमरे में आना है, तो वो कूलर भी हम ठीक करा के रख रहे हैं इमरजेंसी के लिए। आज लक्ष्मण जाएंगे और उसकी मोटर खरीद के लेकर आएंगे, तो हम उसे ठीक करवा लेंगे, वो इमरजेंसी में ना काम आएगा। जैसे बच्चे कभी बाहर बैठे रहते तो बाहर भी मच्छर हो जाता, तो इसके लिए हमने वो रखा हुआ है। और वैसे तो हमने पता है इसी साल सोचा था कि हम एसी लगा लेंगे, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, देहरादून में कभी गर्मी होती नहीं है, तो जब जा रहे आए तो हम फिर ऐसे भी रह गए कि कल परसों करते करते भूल गए, ठीक है। और इस बार हमने सोचा था एसी लगाते हैं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई है कि हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है, तो मतलब उसमें अब जॉइंट बहुत बड़ी फैमिली है, सेट सबके अलग 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 है, तो 4 फैमिलीज रहते हैं हम लोग, 2 नीचे 2 ऊपर, तो हमको ना अपना कनेक्शन पहले अलग करना पड़ेगा। तो हम सोच रहे हैं कि इस बार हम अपना पहले कनेक्शन अलग लेंगे, उसके बाद अगले साल एसी लगवाएंगे। बाकी एसी का कनेक्शन वगैरह हमने प्लग व्लग सब बनवा लिया है, क्योंकि एसी ना मुझे लगता है अब देहरादून में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एसी लगाना, तो मैं एक इस रूम में लगाऊंगी और एक उस रूम में लगाऊंगी, बाद में मैं अपने वाले रूम में लगाऊंगी। एक बच्चों के रूम में लगाना है एसी, एक मुझे यहाँ बैठक में लगाना है, उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि फिर अपने वाले रूम में लगाऊंगी, क्योंकि उसमें भी चाहिए, अब इकट्ठे तो नहीं ला सकते। तो ये सब हो रहा है और मैं आपको दिखाती हूँ वो कूलर जो हमारा ख़राब है। तो फ्रेंड्स ये वाला है वो पुराना कूलर मेरा जो ख़राब हो चुका है, ये देखिए इसके सारे अंजड़े पंजड़े सब निकल गए। तो ये देखिए ये पंखा भी हम इसके लिए नया लाए थे, ये पंखा और इसकी मोटर, तो बस अब इसमें ना मोटर लगवानी है। ये पता है किस कौन सी कंपनी का था, ये उषा का है, मतलब इसे काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि जरा, क्योंकि अगर मेन तो कूलर में क्या होता है ना, ये पंखा और मोटर होती है, अगर पंखा ही और मोटर आप नहीं लगा दो तो कूलर ही नया हो जाता है। बाकी तो ये देखिए जालियाँ वालियाँ हमने सब नहीं लगा दी, मैंने इसको बाहर ही रखा हुआ है ऐसे ढक के, ठीक है ना, ये देखिए। तो इस तरीके से कूलर का हालत हो रखी है, पीछे से पूरा निकला हुआ है ये देखिए, क्योंकि कूलर में मेन क्या होता है, मोटर होती है पंखा होता है, अगर मोटर और पंखा ही तुम बदल दो तो कूलर ही नया हो गया वो पूरा। तो ये कूलर हम सोचे थे जैसे बाहर बैठते हैं, फिर कुर्सी वर्सी लगा के बैठते हैं बच्चे, जैसे हम बाहर बैठे तो अपना यहाँ पे लगा लेंगे और अपना बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ जाएंगे। तो ये मैंने ना अभी बाहर ही रख दिया है, क्योंकि अभी अंदर रखने से ना फिर घुचुर पुचुर हो जा रहा, तो इसको अपने बाहर ही ऐसे ही रख दिया। हमने कहा जब कूलर का सामान आएगा तो उसको ठीक करके ना फिर उसको अंदर रख लेंगे, और जैसे बच्चे कभी बाहर बैठते हैं तो अपना यहाँ पे लगा लिया है ना, और अपना बच्चे आराम से बैठ के हवा ववा आती रहेगी। बाबरे बहुत गर्म हो रहा है बाहर, देखिए धूप कितनी तेज है, देखो फ्रेंड्स, और बाबरे पैर तो गर्म हो गए ना बिल्कुल, हालत देखिए कैसी हो रही है, अंदर ही चलते हैं भाई, बहुत बुरा हाल हो रहा है ना फ्रेंड्स। तो फिर ये देखा होगा आपने बाहर कूलर, और पता है लेकिन बाहर इतनी गर्मी थी कि मैं ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं बना पाई। हाँ आप तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं ज़्यादा देर तक वीडियो बना ही नहीं पाई कूलर की, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है ना बाहर के, 5 मिनट खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। तो वो कूलर, और क्योंकि ना मैंने इसलिए भी लक्ष्मण तो कहते हैं कि मतलब कूलर को बेच देते हैं, लेकिन मैंने कहा कूलर बेच के देखो कोई बेनिफिट तो है नहीं, ठीक है, कितने में बिक जाएगा। तब भी मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्योंकि कूलर में मेन चीज़ क्या होती है, उसकी मोटर और उसका पंखा, जब आपने मोटर और पंखा ही बदल दिया तो कूलर में फिर और कुछ बचता नहीं है करने के लिए, तो वो नया हो गया, बाकी प्लास्टिक की बॉडी है बाहर वो तो अच्छी है। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा तुम बेचोगे तो वो तो वैसे भी कूड़े के भाव बिकना है, तो कम से कम ये रहेगा कि एक कूलर रहेगा तो कभी इमरजेंसी होगी, बच्चे बाहर बैठते हैं, जैसे होता है ना कभी कभी गर्मियों में बाहर बैठो तो हवा नहीं चलती बाहर, मच्छर काटते हैं,
तो मैंने कहा हम इस कूलर को ना बाहर लगा लेंगे और बच्चे अपना बैठ भी जाएंगे, क्योंकि शाम शाम को बच्चे बाहर बैठना पसंद भी करते हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बाहर बिल्कुल हवा होती ही नहीं है, तो इतने मच्छर काटते हैं पता है, हमारा बैठना मुश्किल हो जाता है बाहर। तो मैंने इनसे कहा हमने इस चीज़ के लिए हम रख लेते हैं, तब भी 1200-1300 की या 2500 में हमारी मोटर आ जाएगी, उस मोटर को लगवा लेते हैं, कूलर बिल्कुल नया हो जाएगा। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है फिर रख लेते हैं कूलर को। तो आज ये जाएंगे, इसकी मोटर लेकर आएंगे, उसके बाद भैया को बुला के इसको ठीक करके फिर हम इसको बाहर यूज़ करेंगे। तो ये सब हो रहा है और शौर्य चले गया अब नहाने के लिए, अब वो नहाता है तो मैं उसको थोड़ा सा पढ़ने बैठाती हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना कि शाम को बच्चे 6-6:30 बजे ही बाहर आ रहे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, फिर ये 8-8 बजे तक खेलता ही रह जाता है, बाहर आता ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं शौर्य क्या कर रहा है फिर मैं। तो फ्रेंड्स शौर्य को भेज दिया, मतलब शौर्य नहा रहा है, तो मैं उसको फटाफट लाती हूँ वापस और फिर उसको कपड़े वपड़े पहनाती हूँ और फिर उसको थोड़े से पढ़ने बैठाती हूँ, क्योंकि ना फिर वो क्या करेगा अगर मैं उसको पढ़ने नहीं बैठाऊँगी तो वो लग जाएगा मोबाइल पे। तो अभी नहा के आता है, उसके कपड़े वपड़े चेंज करके उसको 1-1.5 घंटा पढ़ाने के बाद मैं उसे सुला दूँगी, जिससे कि फिर वो शाम को खेलने चले जाए। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड, आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे ना आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।